सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अंगूर से किशमिश, जिसे बनाना सच में बहुत आसान है। मार्केट में आपको केमिकल वाले किशमिश मिलेंगे, घर पे आप प्योर किशमिश बनाइए अपने आप। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें डाला पानी और उसमें मैंने ये सारे ग्रेप्स को ऐसे डिप कर दिया और उसको आपको अच्छे से रगड़ रगड़ के इस तरह से धो देना है। करीब 3 से 4 बार आप इसे अच्छे से धो दीजिए, जिसमें इसमें कोई भी डस्ट वगैरह वो सब निकल जाए। सो मैंने एक झर्रा लिया है, उसमें आपको डाल देनी है अपने सारे के अंगूर और उसमें आप ऐसे प्लेस कर दो, या फिर अगर आपके पास झरना नहीं है तो आप इडली स्टैंड ले लो और उसमें इस तरह ऐसे अपने सारे अंगूर प्लेस कर दो। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ अवेलेबल है, आप किसी एक मेथड में करो। अगर दोनों अवेलेबल है तो आप चाहो तो दोनों मेथड्स में कर लो। सो मैंने आपको यहाँ पे 2 मेथड बताए हैं, तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर लो, आपके परफेक्ट किशमिश बन के तैयार होंगे। सो यहाँ पे मैंने अब इसको टाई अप कर दिया है। अब आपको लेना होगा एक कुकर, ये पहले इडली स्टैंड का हम लोग देख रहे हैं। सो इसमें ना मैंने डाला पूरा 1 ग्लास पानी और अपना इडली स्टैंड जिसमें आपने ग्रेप्स प्लेस किए हैं उसको हम रख देंगे उसके अंदर और कुकर को हम ठीक वैसे ही प्री हीट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इसे करीब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ऐसे इसको स्टीम अप कर दिया है और दोनों चीज़ों को हमने ऐसे ही करा है। एक में पतीले में ऊपर से मैंने झरना लगा दिया और नीचे से पानी डाल दिया था, तो ऐसे 2 बार हमने ऐसे अलग अलग मेथड से स्टीम अप कर दिया। और ये देखिए गाइस, इतना अच्छे से ये एकदम अच्छे से बन गया है। सो इसका कलर ना पहले एकदम ग्रीन था, अब हल्का येल्लो येल्लो सा हो गया है। सो अब इसको आपको डाल देना है धूप में। अगर आपके वहाँ धूप नहीं आती है तो आप पंखे में इसे सुखा सकते हो, लेकिन अगर आप इसे धूप में सुखाओ तो बेस्ट रिजल्ट होगा। सो ये देखिए गाइस, जैसे 4 दिन मैंने सिखाया है और ये कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक बाय।